आज 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर मग्र शीरा नामक योग बनेगा। आज के दिन आप लोगों को कोई भी शुभ काम करना है तो जरूर कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दिन का शुभ मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:03 से सुबह 11:04 तक रहेगा। दिन का अशुभ मुहूर्त यानी कि राहुकाल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:57 तक रहेगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका जो भी बुरा समय था वह समाप्त हो चुका है और अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव होने वाला है केवल और केवल न्याय के देवता शनिदेव के आशीर्वाद के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि आज का राशिफल आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। देखिए, हम जानते हैं कि कभी कभार आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आप अपने दुख और अपने आंसुओं को लेकर स्वयं बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, केवल यही कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को बड़ी खुशियां प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों अब आपको जानना है कि आखिरकार वो कौन सी खुशखबरियां हैं जो आपको कुछ सावधानियों के बाद में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना और कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से श्री गणेश जी का नाम अच्छे से लिखना, ताकि दोस्तों आप लोगों के जीवन में हमेशा नए और शुभ परिवर्तन होते रहें। इसके साथ ही साथ जो लोग भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाओ अवश्य लिखेगा। दोस्तों इसी के साथ ही साथ आपको अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी को हम कुछ खास सावधानियां बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की, आखिरकार वे कौन सी कमियां हैं जिसके कारण आप सफलता नहीं पा पाते हैं। सबसे पहला बड़ा कारण है कि आप जब भी किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो पहले आप उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत खतरे वाली बात रहती है। इस चीज से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। कोई भी कार्य करें एकदम से सबको ना बताएं, वरना नजर लगने का भी खतरा रहता है। और आपके साथ हमेशा ऐसी हुआ है कि जब भी आप कोई शुभ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई शुभ कार्य करने के बारे में सोचते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या उसमें कोई बाधा आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ लोगों से थोड़ा गलत व्यवहार ना करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबसे गलत तरीके से बात करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में गलती से आप लोगों से कुछ क्षमा याचना हो जाती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपकी कुछ खास महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में, जिससे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो जल्दी से जांच कर लें, क्योंकि अब आपको नौकरी के संबंध में अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये समय पद उन्नति व वेतन वृद्धि में भी आप लोगों के लिए काफी खास उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। दोस्तों इस समय बड़े योगों का निर्माण हुआ है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है, इसलिए उनकी कृपा पर हमेशा नजर रखिएगा। आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने के भी संकेत मिले हैं, आशंकाएं बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको दोस्तों भावनाओं में बहकर आप अपनी कोई महत्वपूर्ण बात किसी के भी सामने शेयर ना करें, और इसके साथ ही साथ बातचीत करते समय आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। किसी भी की भी बातों में आप जरूरत से ज्यादा यकीन ना करें। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं, जो कि दोस्तों आगे चलकर आपके लिए परेशानियों का केंद्र बन सकता है। इसके साथ ही साथ कार्य के क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का काफी हद तक मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से कार्य क्षेत्र में दोस्तों जो परेशानियां चल रही थीं, उनका भी समाधान अब आप लोगों को मिलने वाला है। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम आपका फायदेमंद रहेगा, लेकिन दोस्तों अजनबी लोगों पर आप जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य आपका सहयोग करेगा। दोस्तों व्यर्थ की गतिविधियों में भी आप लोगों को अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। इसी के उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके लिए ये समय रहेगा, आप सभी को इस चीज को स्पष्ट करा दें कि व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त होने वाली हैं, जो आप लोगों के लिए काफी लाभ बन रहेगा।
बीमा इनकम टैक्स से संबंधित लोगों को भी कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हाथ लग सकती हैं। इसके साथ ही साथ अब हम आप लोगों को कुछ ग्रह दशाओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आप लोगों के पास में करियर से जुड़े हुए बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं व व्यापार से आप लोगों को उन्नति करने के भी पूरे अवसर अब आप लोगों को मिलने वाले हैं। नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, अपने ऊपर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, आने वाली विशेष परिस्थितियों को आप पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी कहीं ना कहीं घाटक हो सकता है। इस समय दोस्तों आप अपने प्रेमी से अपनी दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आप लोगों की हर बात को समझेगा व आपका रिश्ता भी बहुत मधुर हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों हम आप लोगों को एक सलाह देना चाहेंगे। इस समय आप लोगों को धन के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यदि आप लोगों को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, रुपए पैसे से जुड़े हुए कार्य में आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ सकता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें, इस समय लंबी दूरी की यात्रा आप लोगों को करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी थकावट का एहसास रह सकता है व आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को थोड़ी सी शांति बनाकर रखनी है। आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं कार्य की से जुड़ी हुई दोस्तों आए, उन्हें आपको पूरी गंभीरता के साथ में हल करने की आवश्यकता है। पर ये सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना चाहिए। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि जल्द से जल्द ही आप लोगों को आपके करियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों एक और बात हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को हर समय किसी ने से कुछ नहीं बोलना है, यानी कि दोस्तों आपको अपनी बातें गोपनीय रखनी है। सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझ कर प्रदर्शित करना होगा, वरना व्यर्थ की बहस और विवादों में आप पड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी दोस्तों के साथ में कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी सलाह दे दें कि थोड़ा समय आपको अकेले में रहना होगा, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना होगा, यानी कि दोस्तों आपको अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने की आवश्यकता है। वह उसी खाली समय में आप कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं या आप धार्मिक गीत भी सुन सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। आप लोक प्राणायाम भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कसरत भी आप अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप काफी मजबूत हैं, लेकिन खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही आप दिखा देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आने वाले समय में आपके आगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आप लोगों को प्राणायाम में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाएं। दोस्तों अब आप लोगों को बता दें कि आखिरकार वह कौन सा ग्रह है जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपके ऊपर उसका प्रभाव अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन में कुछ खास परिवर्तन व कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके जीवन में बड़े बड़े कांड मंगल ग्रह के कारण हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मंगल ग्रह को शांत रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी, आज का राशिफल आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का